हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोज़ेस डार्कनेस। तो कैसे है सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, क्या है वो जो आपकी जिंदगी में आ तो रहे हैं लेकिन आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है। सो व्हाट इज अनसीन, व्हाट इज अनहर्ट बट इज श्योरली कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, तो आज का टॉपिक यही रहा है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। इट्स अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम में मैं रील्स देती हूँ तो जरूर उसको देखें, क्योंकि एडिशनल वीडियोज के लिए आप इंस्टाग्राम रील्स को चेक कर सकते हैं। मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना है थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल्स फॉर एवरीथिंग। जिनको भी आपको थैंक यू करना है जरूर कीजिएगा, पर यूनिवर्स को पहले कीजिए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इस डेक से देखेंगे, उसके बाद हम इस डेक को यूज करेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में आ तो रहा है लेकिन शायद उनको दिखाई नहीं दे रहा है। व्हाट इज अनसीन, व्हाट इज अनहर्ड बट इज श्योरली कमिंग टुवर्ड्स यू। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ठीक है? सो व्हाट इज अनसीन, व्हाट इज अनहर्ड बट इज श्योरली कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। क्या अनदेखा है, क्या अनसुना है, बट वो जरूर आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। प्लीज बताएं यूनिवर्स, प्लीज बताएं यूनिवर्स, क्या अनदेखा है, क्या अनसुना है, बट जरूर उनके जिंदगी में आ रहा है। वाओ, द नाइट ऑफ कप्स, वी डू हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, वी डू हैव द फोर ऑफ कप्स, ठीक है, ओके, वी डू हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, alright, okay, we do have, I don't take reverse cards, it's 10 of pentacles, ठीक है? Bottom of the deck हमारे पास है 7 of pentacles, इसको हम साइड में रखते हैं। अभी हम इस deck से देखते हैं, उसके बाद हम reading को start करेंगे। So what is unseen, what is unheard, but is surely coming towards you? What is unseen, what is unheard, but is surely coming towards you? ओके, सो वी डू, देखो एम्परर का पहले ही था, वो यहाँ पे आ रहा है फिर से एम्परर। ओके, वी डू हैव द हाई प्रिस्टेस, ओके, वी डू हैव द सेवन ऑफ वैंड्स, ओके, वी डू हैव द फाइव ऑफ पेंटेकल्स, वी डू हैव द डेविल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटेकल्स। अभी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैमरा शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। कुछ लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि मैम दी, जब भी कोई भी बोल देते हैं तो उनके गले में खराश क्यों होता है, क्या एंजल्स या स्पिरिट्स उनको प्रिवेंट करते हैं बोलना? तो लगभग कुछ इसी तरह से है कि जो चीज़ आपको सुनना नहीं है, मे बी यू डोंट नीड टू हियर, सो वहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, या नेगेटिव एनर्जीज भी ऐसा कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि आग जो है ना, कैंडल का बुझा दिया, फिर इस तरह से कुछ, मेरा ट्राईपॉड जो है हिल रहा है, इस तरह से कुछ होते हैं। मैंने न्यू ट्राईपॉड खरीदा फिर भी वहाँ पर ऐसा हुआ, कैमरा खरीदा फिर भी ऐसा हो रहा है। सो इट्स लाइक दैट, ठीक है? ऐसा हो सकता है, इविल एनर्जीज। कभी भी ऐसा हुआ मेरे साथ है, मैंने शायद आपको बताया नहीं होगा कि कैंडल, जो ग्लास वाला कैंडल था वो फट गया ऑटोमेटिकली, सो इट वाज अ न्यू सेट। तो इस तरह से हो सकता है कि कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, या हो सकता है कि मे बी वो हमें, हमारे थ्रू आपको बोल रहे हैं कि देयर इज नीड ऑफ वार्निंग, या देर इज अ नीड टू कंट्रोल, इस तरह से, ठीक है? उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे फिर से वाटर साइन है,
एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा यहाँ पे है, एयर साइन एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा, कुंभ मिथुन तुला राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, यहाँ पे हर एक साइन है। मेजर अर्कना पे यहाँ पे हमारे पास है एम्परर, द एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, यहाँ पे है हाई प्रिस्टिस, कैंसर और पाइशियस, कर्क और मीन राशि, यहाँ पे है सेवन ऑफ वैंड्स, अगेन द एरीज लियो एंड सजिटेरियस, यहाँ पे है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइंस यहाँ पे है द डेविल, यहाँ पे तीन तीन मेजर अर्कना है। ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे कहना है आपको एज पर द न्यूमरोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 10, 8, 4, 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 10 इम्पॉर्टेंट है, 2 इम्पॉर्टेंट है, 7 इम्पॉर्टेंट है, 5 इम्पॉर्टेंट है और 15 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल राइट, मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके, बेसिकली जो मुझे आपको कहना है, अच्छा 15 दैट इज 6 इज इम्पॉर्टेंट, 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, शायद इस रीडिंग को देखने के बाद आपको 10 10 या 44 44, 22 22, 13 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है 5 या 23 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है, और 14th भी हो सकते हैं। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके तरफ क्या आ रहा है जो शायद आपको पता नहीं है। ओके, जो शायद आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि इफ इट इज रिलेटेड टू योर लव लाइफ और रिलेशनशिप इज कंसर्न, शायद आप अपने जीवन में प्रेजेंट सिचुएशन में, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू आर स्टक समवेयर, आपके जिंदगी में एबंडेंस होते हुए भी, इस तरह से भी हो सकता है एबंडेंस होते हुए भी आप शायद सेटिस्फाइड नहीं हो बिल्कुल, क्योंकि आप कंप्लीट नहीं हो, आप अपने आप को पूरी तरह से पूर्ण महसूस नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है आपके पास ऐश्वर्य है, हो सकता है आपके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, आपके पास इवन एंगेज होने के लिए एक जॉब है, बिजनेस है, सब कुछ है, होते हुए भी आपके पास ऑफर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, बट यू आर नॉट हैप्पी, या हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन पे आप कोई भी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन है। प्रॉब्लम्स हो सकता है आपके फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, फाइनेंशियल, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल ट्रबल्स हो सकते हैं, ठीक है, और उसी में ही आप शायद ट्रैप हो। बहुत ज़्यादा एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देर इज़ अ टेम्पटेशन, ओके, देर इज़ अ टेम्पटेशन मे बी विच कैन कम टूअर्ड्स यू, आने वाले समय में इस तरह के टेम्पटेशंस हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई ऑफर्स दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करवा रहे हैं, लेकिन उनका मतलब जो है वो गलत है, मतलब यहाँ पे एक विलेन रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। सो आपको भी कुछ आदतें हैं जो शायद, ठीक है, हो सकता है कि आप एट ए टाइम, ठीक है, ऐसा होता है ना कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अपने लाइफ से ही डिससेटिस्फाइड होते हैं और हमको लगता है अरे जीवन में कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है। सो जो एबंडेंस होता है ना, जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो ऐसा बोला जाता है कि यस ब्लेसिंग्स हम मिस कर देते हैं अपने लाइफ में, तो डार्क एनर्जीज हमारे जो शरीर है उसमें प्रवेश कर देता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और लोअर वाइब्रेशन में होते हैं। कहीं ना कहीं डेविल इट्स ऑल्सो सजेस्ट दैट इंटॉक्सिकेशन या कुछ ना कुछ एब्यूजिव रिलेशनशिप, एक्सप्लॉयटेशन आपके साथ हुआ है, या आप ट्रैप्ड हो गए थे, या ऐसा हो सकता है कि ये ट्रैप आपके पास आ रहा है, लेकिन आप अगर सही रहो या आप अपने फैमिली के साथ कंसल्ट करो या अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ, मे बी वो मुझे ट्रैप रिलेशनशिप से ही ज़्यादा कुछ फाइनेंशियल ट्रैप में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो डू नॉट इन्वेस्ट इन एनीथिंग विदाउट रीडिंग द फुल लाइंस, ठीक है, पूरा पॉलिसी आप पूरी तरह से पढ़िए, उसके बाद ही कुछ कीजिए। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली, उनको एडमिशन के लिए हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आप डोनेशन दे दो फिर आपका हो जाएगा, या आप कोई एजेंट के साथ, एजेंट के थ्रू आप जा रहे हो बाहर, मे बी फॉर द फॉरेन लैंड्स, डिस्टेंस लैंड्स, आप जानते ही हो वीज़ा प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड जॉब, तो शायद आप ऐसे भी कोई एजेंसी के चक्कर में आ सकते हैं। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ ताकि आप सिक्योर रहे, ठीक है,
और आपने उसको पेमेंट कर दिया, बाद में देखा वो एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। सो नेटवर्किंग आपका तगड़ा होना चाहिए, आपको फाइंड आउट करने चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। रिसेंटली शायद आप किसी को मिलोगे या आने वाले समय में आप किसी को मिलोगे, उनके इंटेंशंस जानने के बगैर शायद आप उनको अपने फैमिली के पास लेके जाओगे, बट देयर कैन बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, दूसरा चीज है कि एक ऐसे पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, ठीक है, जो आपको फुल एंड फाइनल कमिटमेंट देंगे, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागेंगे बिल्कुल नहीं, दे विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, जिस तरह से इंसान होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर पिता है, ठीक है, घर में पिता है, अगर उनके बच्चे हैं तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता के ऊपर जाता है और माता के ऊपर जाते हैं। जिस कंट्री का सिटीजन है तो उसी, फॉरेन से कंट्री छोड़ो, स्टेट बोलते हैं, स्टेट के लोगों का जिम्मेदारी उसी स्टेट का सीएम के ऊपर होता है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो एज पर रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स, ठीक है, ये इंसान अपने जिम्मेदारी खूब निभाएंगे, ठीक है, और ये खुद आपके सामने प्रपोजल लेके आएंगे, एंड दैट विल बी अ वेरी स्वीट ऑफर एंड इन्विटेशन। ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बिजनेस रिलेटेड ऑफर भी हो, बट ये इंसान आपको जज थोड़ा सा कर सकते हैं, दे मे टेस्ट योर ओरिजिन, मतलब दे मे टेस्ट योर ऑथेंटिसिटी, हाउ मच योर ओरिजिनल। ठीक है, हो सकता है ये इंसान ने काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देखा है पहले और स्ट्रगल करके ही, संघर्ष करके ही वो इतना ही बने हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप भी इस सारे स्ट्रांग पोजिशन को अचीव कर पाओ। मुझे लग रहा है आपके जो हिडन नॉलेज है, इंट्यूशन है, इससे क्या होगा ना, आप एक पावरफुल पोजिशन में पहुँचने वाले हो विथ योर हिडन नॉलेज। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने काम को लेके, डेडिकेटेड हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग आपके शायद बात को मानते नहीं है, या रेवोल्यूशनिस्ट हो आप, हर एक अन्याय देखते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पहले क्या करते थे, आप बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते हुए थे आपको पता चलेगा कि नहीं। देखो, ऐसा बोला जाता है ना कि कलम का जो जोर होता है वो एक तलवार के जोर से भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, विथ योर नॉलेज, विथ योर पावर, विथ योर विजडम, विथ योर इंटेलेक्चुअलिटी, विथ योर लॉजिक, विथ योर हिडन नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो किसी के पास नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉलेज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का नॉलेज, ठीक है, इंट्यूशन होना, ठीक है, मतलब पहले आगाह हो जाना कि क्या होने वाला है। इससे क्या होगा ना, आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा जो आपके जो नेचर है इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हुए दिखाई दे रहा है। आप डेडिकेटेड हो, नो डाउट, पर कभी कभी क्या होता है, आपका टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कुछ ऐसी चीज़ों को देख के जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ ऑफर्स अगर आप रिजेक्ट करते हो इसी समय पे, तो यू कैन लूज द अपॉर्चुनिटीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, डोंट, यू कैन से यू शुड प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट। आप अपने आप को रोकना, अगर कोई ऑफर आपके तरफ आ रहा है, ठीक है, वो और वो सही भी ऑफर है, बट आप इस ऑफर्स को लेके बैठे हुए हो, तो आप क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ड्रेनेज हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब ऑफर्स आ रहे थे और आप सोचना शुरू किए, आपको रिलेशनशिप में रिश्ता आ रहा था लेकिन आप पास्ट रिलेशनशिप में स्टक हो, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है यू आर जस्ट ब्लाइंड फोल्डेड अप। पहले पता है जब हम छोटे थे, चाइल्डहुड के समय पे, हमको ऐसा आग बात दिया जाता था और हमें बोला जाता था कि आप इसको छू लो तो फिर वो आउट हो जाएगा, लेकिन अभी वो नहीं रहा है ना। इट्स नॉट, दिस इज अ, यू कैन से दैट यू नीड टू बी वेरी मेच्योर्ड एंड यू नीड टू कीप योर आईज ओपन, ठीक है, यू नीड टू कीप योर ईयर्स ओपन। आप किसी के ट्रैप में मत आना, ठीक है, स्टक मत होना। आपको पहले जज करना है कि उस रिलेशनशिप में आप बिल्कुल सुख अनुभव कर रहे हो या ये रिलेशनशिप आपके और, ठीक है, एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। ड्रेन क्या होता है बेसिकली ड्रेन क्यों बोला जाता है, व्हाट इज अ ड्रेन? ड्रेन होता है वो आउटलेट जिससे गंदा पानी निकल जाता है, ठीक है, आउटलेट। सो कहीं ना कहीं पे एनर्जी ड्रेन हो रहा है, मतलब आपकी जो अच्छी ऊर्जा है, पॉजिटिव वाइब्स है, वो ड्रेन हो रहा है
किसी ऐसे रिलेशनशिप के लिए मे बी इट इज रिलेटेड टू द पास्ट और द प्रेजेंट, सो यू शुड नॉट वेस्ट ऑन दैट. यू शुड एक्सेप्ट ऑफर्स जो आपके पास आ रहा है विद वेरिफिकेशन विद द प्रॉपर जजमेंट. यू शुड डू दैट. ठीक है, आपको प्रॉपरली जज करना है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ट्रैप नज़र में आ रहा था, बाकी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है. अगर आप उस ट्रैप में फंस गए तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि आप फिर से एक नेगेटिव ऊर्जा में चले जाओगे. बट ये इंसान का जो पॉजिटिव ऊर्जा है, ये जो पावरफुल इंसान है, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं. दे कैन बी योर बॉस, दे कैन बी द हायर अथॉरिटी, दे कैन बी एक्सट्रीमली पावरफुल पर्सन. किसी किसी का हो सकता है यू कैन गेट एडमिशन इन वेरी रिपोर्टेड कॉलेजेस, ठीक है, इन मल्टीनेशनल कंपनीज, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. मे बी कुछ लोग आर्मी मिलिट्री के लिए ट्रेनिंग टेस्ट देने वाले हो तो आपका पेशेंस लेवल टेस्ट किया जाएगा. उस दौरान आपको गुस्सा नहीं करना है, अपना मन को शांत करना है, ठीक है. तो बहुत तरीके के टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होता है, हो सकता है वेरिफिकेशन का टेस्ट होगा. फिर आपको कहीं पे भी हो, मे बी रिलेटेड टू जॉब और स्टडीज, और ऐसा भी हो सकता है कि प्यार में भी हमें परीक्षा देना पड़ता है, अग्नि परीक्षा. बट जो इंसान हमारे सोलमेट होते हैं ना, जो हमारे लिए डेडिकेटेड होते हैं, उनके सामने इतना अग्नि परीक्षा नहीं देना पड़ता. अग्नि परीक्षा उनके लिए देना पड़ता है जो रिलेशनशिप दिखता तो है बहुत ज़्यादा रियलिटी बट एक्चुअली होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, लाइक द स्मोक ऑफ अ सिगरेट. ठीक है, तो यही है व्हाट इज अनसीन एंड अनहर्ड व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स यू. मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ जो भी ऑफर्स आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए. आपने बहुत वेट किया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और यहाँ पे विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, अगेन सेवन इज इम्पॉर्टेंट, थ्री इज इम्पॉर्टेंट. बेसिकली थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज अ बिल्डिंग कार्ड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, वेरी पॉजिटिव कार्ड. आप अपने लाइफ में क्रिएट करने वाले हो वो एनर्जी जो पहले नहीं किया था. इट विल बी अ मैजिक. आपके आईज बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, आपके जो फेशियल फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे होंगे. फॉर गर्ल्स योर हेयर कैन बी शॉर्ट और एवरेज लेंथ या कर्ली हो सकता है, शायद आपने रिसेंटली डाई किया होगा. फॉर मेन यू कैन हैव मसल्स और टैटूज और पियर्सिंग्स ऑन योर बॉडी, ठीक है, ये आपके पर्सन के हो सकते हैं. मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो काफ़ी ज़्यादा टाइम, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम 2 साल वेट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ हासिल करने के लिए, कुछ माइलस्टोन को क्रॉस करने के लिए. हमने समय भी दिया, वहाँ पे हमने पैसा भी इन्वेस्ट किया, ठीक है, कोर्स का जो फी है वो भी हमने भरा और हमने लगातार स्टडीज करके हमने परीक्षा भी दिया. उसके बाद, ठीक है, ये जो होने वाला है, यू विल जस्ट बिल्ड अप योर सेल्फ, ठीक है. यहाँ पे यही आ रहा है कि उसी जो एनर्जी जो आपने इन्वेस्ट किया उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. योर वेटिंग पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंस्ट्रक्शन. जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा सेविंग्स का इंटरेस्ट भी आता है. ओके, ऐसा भी होता है, जितना आप पैसे को इन्वेस्ट करते जाओगे उतना रिटर्न सबको मिलेगा. तो आपको सब्र थोड़ा सा करना है बट वो होगा तो ज़रूर. सेवन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एज वेल एज यू कैन से दैट फोर इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट. हो सकता है विद इन 4 to 7 days, वीक्स या मंथ्स आपके पास ये चेंजेस दिखाई दें जो पहले आपने सोचा ही नहीं था. किसी किसी को HR जॉब, किसी किसी के लिए मैनेजर, ठीक है, मुझे लग रहा है पूरी डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा, आप हैंडल करो. मे बी किसी किसी का शादी भी फिक्स हो सकता है, मतलब रिश्ता आ रहा है, वो आपके ऊपर है कि वो रिश्ता आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं. मे बी थ्रू इंटरनेट, मे बी थ्रू योर फैमिली वो रिश्ता आ रहा है. लेकिन बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का ही मामला शायद आपका यही इशू रहेगा. क्योंकि आयदा तो हो सकता है कि आपके मन में कोई है जिनको लेके आप अपने फैमिली को कन्विंस करने की तो कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है कि उनके थ्रू आपका ये जो रिश्ता है वो फिक्स हो, ठीक है. और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्डन कॉइन्स इसलिए दिखाई दे रहा है, मे बी
मे बी योर पर्सन इज इन्वॉल्व इन बिजनेस, या हो सकता है उनके खानदान बहुत ज्यादा पैसे वाले हो, इस तरह से भी मुझे दिख रहा है, या आपके फैमिली को उस पैसे वाले खानदान में आपको शादी करवा देना है, बट शायद आपका मन नहीं होगा। सो आई डू फील अ मिक्स्ड एनर्जी इन दिस कार्ड। यहाँ पे आप बोल रहे हो, वो लोग सुन रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। यहाँ पे जो दादाजी है, यहाँ पे बहुत बुजुर्ग है, वो अनहैप्पी दिख रहा है। यहाँ पे देखो, वो अनहैप्पी दिख रहे हैं, मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं वो। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड कार्ड, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे आई कैन फील द अदर साइड, द शेडो साइड ऑफ द कार्ड इज लाइक दैट। आप लोग बोलते हो ना कि रिवर्स कार्ड, आई कैन फाइंड द रिवर्स साइड ओवर हियर, कि है तो ये बहुत खूबसूरत सी कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द सॉलिड फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, वो तो चाहेंगे ना आपका, कि आपको उन्होंने जन्म दिया है, आपके खानदान के लोग चाहेंगे आपका भला, लेकिन शायद आपके इंटरफेरेंस से वो नाखुश होंगे, या वो जिस घर में आपका शादी कराने जाएंगे शायद आप इंटरेस्ट नहीं रहोगे, कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, आप अपना हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, वर्क स्ट्रेस लोड आ सकता है, जिसके वजह से हो सकता है कि आपका खाने का टाइमिंग्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए या शेड्यूल डिफरेंट हो। ठीक है, इस ये भी चैनलाइज हो रहा है, अचानक चैनलाइज हुआ मुझे। दूसरा चीज़ है कि एक गोल्डन कॉइन्स पाने के चक्कर में आप अपने एनर्जी को, ठीक है, इतना भी ज़्यादा खर्चा ना करें। इनकम इज़ वेरी गुड, बट टू अर्न दैट यू शुड नॉट वेस्ट मच ऑफ योर एनर्जी। ठीक है, डोंट ट्राई टू पुश टू मच, उतना ज़्यादा मतलब नाइदर यू पुश टू मच नाइदर यू पुल टू मच, इतना ज़्यादा खींचो भी नहीं, इतना ज़्यादा धक्का भी ना मारो, तो फिर वो टूट जाएगा। एक ग्लास डोर है रेस्टोरेंट का, ठीक है, और आप उसको पुश कर रहे हो, जोर से कर रहे हो, तो भी वो टूटेगा, पुल कर रहे हो जोर से अपना बल लगा के, तभी भी वो टूटेगा। मॉडरेशन पे चलो। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड्स क्या आ रहे हैं, फिर हम देखेंगे थोड़ा सा इनिशियल्स एंड देन विल एंड द रीडिंग। सो व्हाट्स दैट, व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। अटैचमेंट यही है, फाइव देखो फिर से इम्पोर्टेंट है, द गार्डन एंड द गेट देखो यही आ रहा है, एंग्जाइटी देखा, ओ माई गॉड, इनडिसीशन देखा। मैंने आपको बताया था ना, आपके पास चॉइसेस इतना होंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा, और वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, इवन देगा भी आगे जाके, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो। अटैचमेंट है किसी के साथ, या कोई जॉब के साथ, या पर्टिकुलर कोई प्रोफेशन के साथ, या कोई बिजनेस के साथ, या किसी चीज़ के साथ है। ठीक है, लेकिन वो इंसान आपको रियल फेस नहीं दिखा रहे हैं, या रियलिटी में ये इंसान मास्क पहने हुए है और आपको अब ट्रू फीलिंग्स कन्वे नहीं कर रहे हैं। आपके सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आप विचार कर रहे हो आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है। बॉटम ऑफ द डेक है इस इनडिसीशन, वाई इट इज देयर, दो रास्ते हैं, एक को आपको चुनना है, दोनों आप नहीं चुन सकते, ओनली वन यू नीड टू चूज, एट। और अगर आपने चूज भी किया है रॉन्ग डिरेक्शन को, आपका मूवी, एक मूवी देख लेना हॉलीवुड का, द रॉन्ग टर्न, तो नतीजा गलत होता है। अगर आपने सही रास्ता चुना है तो सही होगा। आप बताओगे कि मैम हमें रास्ता कैसे चुनना है, शांति से सोच समझ के, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, उसके बाद ही आपको करना है। ठीक है, और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आइसोलेटेड हो अपना, शायद आप किसी के साथ कन्वर्सेशन भी नहीं कर रहे हो, आपका मूड ऑफ बहुत ज़्यादा रहता है, मूड स्विंग्स हो रहा है, कभी भी ऐसा लगता है कि नो एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड एट द सिचुएशन। अरे ये सिचुएशन टेम्पररी है गाइज, आप अपने सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, यू कैन सिलेक्ट वन। जो आपको इतना डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है ये रास्ता, उसको मत करो, ये रास्ता करो, तो ही ना आप अपने डेस्टिनी तक पहुंचोगे। ठीक है, ऑलराइट, एंड डेफिनेटली डोंट टेक एंग्जाइटी। मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा आप एंग्जाइटीज, बहुत ज़्यादा नींद कम होना, ठीक है, फिर सुबह सुबह उठ जाना एकदम अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3 o'clock 4 o'clock, अच्छा है उठ रहे हो तो चले जाओ फिर मॉर्निंग वॉक में, ठीक है, और फिर योगा करो, हेल्दी एक्सरसाइजेस करो, डाइट पे रहो, ठीक है, टेक गुड डाइट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ग्रीन टी टेक इट, मिंट टी, पुदीना लो, रिफ्रेश हो जाओ,
माइंड को रिलैक्स रखो, गाना सुनो जिस गाने को आप पसंद करते हो सबसे ज़्यादा, दुख वाला गाना मत सुनना, ठीक है, वो आपको और अटैचमेंट ही देगा फिर, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा लाउड म्यूजिक अपने कान में लगा के सुना, वरना पड़ोसी आके फिर डिशुम डिशुम हो जाएगा उनके साथ। ओके तो चलो हम देख लेते हैं, फिर बोलना कि मैम ने बताया था, डेफिनेटली रेरो सिक्स सुदर्शना मैम ने बताया था कि लाउड म्यूजिक सुनना है, फिर वो मुझे मारने के लिए आ जाएंगे। ओके देखा, सेवन भी यहाँ पे आ रहा है। सो आई थिंक यू आर वेरी मच स्पिरिचुअल, वेरी मच, रबर बैंड आ रहा है, सो यू आर वेरी अटैच स्टिल नाउ, वर्क करना, दिस इज़ अ न्यू जर्नी, ए टावर मोमेंट, इट्स अ पॉइंट ऑफ, यू कैन से यू नो व्हाट, अवेयरनेस, जागरूकता, जागो ग्राहक जागो, इस तरह से है, टू रीच द, यू कैन से, ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, टू रीच अ गुड पोजिशन, एक अच्छा पोजीशन मिलने के लिए ब्रेक डाउन होना भी ज़रूरी है, तो शायद ये बिल्डिंग को लैप्स हो चुका था, आप फिर से उसको, इमारत को खड़ा कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि इट्स यू कैन से द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, क्योंकि टावर का कार्ड में हमें आग दिखता है और आग में ही सब कुछ प्यूरीफाई होता है, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। एम आई ए कुछ सेवन इस नंबर इम्पोर्टेंट, पी ई एन, देखो काफ़ी रिजेक्शंस आपने देखा है, इंटरव्यू के टाइम पे भी हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, बट यू नीड टू ट्रैवल, ट्रैवल आपको करना है, ठीक है, ट्रैवल आ ही रहा है, जो आप नहीं देख पा रहे, आपको लग रहा है नहीं मुझे ट्रैवल नहीं करना है, बट वो आ रहा है, क्योंकि डबल यहाँ पे इंडिकेशन है, सो द एनर्जी इज गेटिंग डबल्ड दैट यू विल फ्लाई अवे फ्रॉम योर डेस्टिनेशन, क्योंकि फ्लाइट है सो ऑफकोर्स लॉन्ग डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ट्री है तो छाओ, प्रोटेक्शन, यूनिवर्स इज गिविंग यू फुल एंड फाइनल प्रोटेक्शन टूवर्ड्स यू, जिस तरह से होता है ना कि ग्रीनरी, हरियाली आपकी ज़िंदगी में, वही आ रहा है। नो कुछ चीज़ों के लिए आपको ना बोलने की ज़रूरत होगा और आप ना भी बोलोगे। यहाँ पे सेवन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बटरफ्लाई, अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसम्यूटेशन, इनो बापरे गैस का प्रॉब्लम है क्या? ओके डाइजेशन प्रॉब्लम्स तो होगा ही ना, स्ट्रेस ले रहे हो, देखा ना, फिजिकल ट्रेनिंग करना है आपको, एक्सरसाइजेस करो, डाइजेशन अच्छा होगा, स्टेयरकेस से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करो, फटाफट करना और मुझे कल बताना, ठीक है। ओके सो कभी भी करो, बता देना, क्योंकि रीडिंग अलग अलग टाइम फ्रेम में देखोगे। सो दिस बटरफ्लाई रिमाइंड्स मी दैट अगेन यू आर गोना फ्लाई, तितली उड़ती ही है, तितली एक जगह पे कम बैठती है, सो मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा आपका, ठीक है। सो चेरी ब्लॉसम, वाओ, न्यू सीजन, विद अ न्यू सीजन योर लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज, टेडी बियर वेरी क्यूट एंड समवन इज़ गोइंग टू ऑफर यू, ठीक है, विद लव, पिंक हार्ट हैज कम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग, डेफिनेटली टैरो ऑफ सिक्स बट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस, थैंक यू गाइज एंड लव यू अ लॉट। इसका नाम अली हो सकता है, अली, ओके, अतनु हो सकता है, पिया हो सकता है, निया हो सकता है, हनी हो सकता है, यो यो हनी सिंह, ओके, मिया हो सकता है, मनी हो सकता है, मनी, एम ए एन एन आई, मनी, तानिया हो सकता है, किसका नाम, तानिया, पॉट, कॉपर का जो पॉट होता है या मिट्टी का जो घड़ा होता है वो अच्छा होता है, पानी पीने उससे, ओके। So I'm just ending it. Thank you so much for being in my channel. Please do subscribe and comment in the comment section. Thank you guys. Love you a lot.